वेलकम बैक टू निवी पांडे ब्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। आज ब्लॉग लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि सुबह से हम लोग थे बिजी और अभी मम्मा कर रही हैं गेहूँ साफ। साफ करते करते हो रही थी सिर दर्द, तो बना रहा हूँ मैं चाय। और गाइस ये देख ली, मम्मी से पूछी है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। गेहूं साफ हो रहा है गाइस, और आपको तो पता है गेहूं में कितनी मेहनत लगती है, यहाँ से गड़ा के साफ करने पड़ते हैं। ये सर हो रहा है बारिश, मेरे लाल बना रहे हैं मेरे लिए चाय। मम्मी भी फैलारा करती है, देख सकते हैं आप कितना गेहूं फैलाया है इसने। कितने भी चोरी से गेहूँ साफ करो लेकिन जैसे नहीं कर सकते। मतलब तो गाइस बन चुकी है चाय, अभी छान के लेके जा रहा हूँ मम्मी के पास। तो चलते हैं उनसे पूछते हैं कैसे बनी है चाय। नहीं गाइस मेरे को इधर मादी नहीं है, दे दोनों काली होंगी, मैं काली नहीं गोरी होंगी। गाइस हमने इसको जरा डरा के रखा है कि अगर चाय पीते हैं तो काली होते, दूध पीते तो गोरी होते। तो ये देखना इस काली को देखो, ऐसा लगता है कि ये बहुत गोरी हो गई है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। बच्चे मैं दूसरी स्किन लगा ली। सो गाइस कल है जिगर का बर्थडे, कल हमारा बच्चा हो जाएगा 14 साल का। हेलो गाइस आज मैं भी क्यों साफ कर रही हूँ, और कुछ सरप्राइज रखा है गाइस, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर अगर बता दिया तो सरप्राइज क्या सरप्राइज रहेगा, इसलिए सरप्राइज खुलेगा कल। गाइस मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि सरप्राइज है क्या, पता कर कर के थक गया लेकिन नहीं पता। मैं गैस भी नहीं कर पा रहा हूँ सही से। गैस मतलब आए सिलेंडर कर ले। रोटियों का काम हो जाता है गर्मी, समझ लो सब काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ का तापमान 45 डिग्री है यहाँ का तापमान, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए, क्योंकि रात में अगर रोटियाँ सेकती हूँ तो पूरा घर गर्माता है, इस चक्कर में जल्दी रोटियाँ सेक के रख देती हूँ और जल्दी सब खा भी लेते हैं, इसलिए रोटियाँ बना के फ्री हो जाऊँगी, फिर धोनी बोली आऊँगी हाथ और फिर हम निवी घूमेंगे बाहर, है ना निवी? इतनी लपट में लपट तो दोस्तों हम लोग 8 बजे भी अगर बाहर बैठते हैं और थोड़ी बहुत हवा लगती है ना तो वो भी गर्म हवा चलती है, ये मान के चली तो कितनी गर्मी है आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ। गाइस गाड़ी की आवाज आई है तो मुझे लग रहा है पापा आ गए हैं। हाँ मेरे पापा आ गए हैं गाइस। पापा आज का दिन कैसा रहा आपका? एक नंबर रहा मेरा दिन आज सही में। हाँ वो तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट से ही दिख रहा है कि आज अपन फ्री होगा, सब लपड़ों बढ़िया। पापा जाते हैं तो घर में अलग ही रौनक हो जाती है। रौनक रौनक हाँ मेरे लिए तो रौनक हो जाती है। अब आप अभी देखना आप दोस्तों हम किस खुशी में पापा त्रिपाठी अरे चलो अब जल्दी जल्दी रोटियां सेकनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये ले जा रहा है मुझको। कहाँ लेके चल रहे हो पापा? कहाँ ले जा रहे हैं? राम घाट। और गाइस मैं रुकूंगा घर पे क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी ये है गाइस, ये गाड़ी है उस पे ये बनती नहीं है। अभी दे रही है तो मम्मी मेरे को ज्यादा मार। मम्मी ने जल्दी जल्दी करके इतनी जल्दी कर ली कि रोटी सेक भी रही है और पापा और निवी खा भी रहे हैं। ओ पापा भरवा गर्मी इतनी है दोस्तों कि चोटी से ऐसा लगता कि बाल कटवा के फेंकवा दे। पहले मना करने लगे नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, फिर बोलने लगे ऐसे चल, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने मुंह बना लिया। ऐसे ही करते हैं कहीं जाना होता है ना तो पहले हाँ फिर ना। तो गाइस जा रहे हैं हम लोग मंदिर रामघाट मंदिर, तो आपको भी दर्शन कराएंगे वहाँ की।
काम कर रही हूँ, बुद्धा जी के दर्शन और शंकर जी के दर्शन। और मुझे याद भी आ गया, मैं जा रही हूँ दीपक भी लगा कर आऊँगी क्योंकि आज है मंगलवार। तो चलते हैं दोस्तों, ये अभी मना कर देंगे ना कि नहीं जाना, तो अभी अलमू भूल जाएगा। तुम यहीं खेलूंगी भैया के पास, पीछे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, बाय बाय। हाँ तो गुलाब जल डाल लेना आप, तो धूल भी बहुत है ना। पूरा है ना पानी में समाया हुआ है महल, है ना, नदी के अंदर पूरा महल समाया है। कहाँ रुकना, थोड़ी सी रुकियो, दो लंगूर हैं, दो कैरियो कितनी लग रही है। ये है भैरव बाबा घाट, सिद्ध श्री भैरव बाबा नहीं बरसात में क्या फिर दिया, अभी 9 तारीख के बाद ही चालू है। इस मंदिर के लिए दोस्तों गुम्मत तैयार हो रही है, ये ढांचा तैयार हो गया गुम्मत का। यहाँ पर बब्बा जी के मंदिर में रखाएगी गुम्मत, एक दे सकते हैं घाट कहते हैं खुद, ये बारिश इनका भी चिकन में पकाती है, दवाई दे सकते हैं। पानी छिका हुआ है, पानी की रंगत भी आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बेकार हो रही है। वो पानी वाला होगा कल तो पता है, हम बंगला खंड पे थे, हम लोग नारा बगल में दो पानी के मछली ऐसे खाने के लिए आते हैं, मटकी में बैठ गया और उसने नीरज तिवारी ने मटकी उठा ली, जल चढ़ा रहे उसने सांप छिका हुआ, छिका है पानी तो अभी बता लो। आ जाओ इधर आओ, नहीं भी दूर रहना तुम, लेकिन एक दिन मनाजी साफ हो गई की है सफाई, और जो पूरा पत्ते पूरे लग रहे थे, पत्ते होती तो हो रही है ना, यहाँ तो कम थे उधर ही ज्यादा नहीं, यहीं से तो भाई जो पूरे आए थे। आज आए थे क्या कोई सफाई करने? मैं आया था ना देखने, जब पूरे में थे पूरे, आज करा हुआ किसी ने, कल वो उस पे यू फेसबुक पे डाला था किसी ने, कल का डाला है, कल करेंगे। अच्छा अच्छा, कल आने सब लोग उस तरफ होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मंदिर, ये घाट के पास ही बना है, कहते हैं बारिश में खुद नमी है इनकी, अभिषेक करने आती है। हाँ
कहाँ है तो सूरज? सूरज डूब गया उस तरह मान लो। ऐसे में देखना, ऐसे में देख कितना। बैठो 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 बैठो। शाम ढल चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ का बैकग्राउंड बहुत प्यारा है। ये सब चमगादड़ है। देखो नदी में पानी पी रही था। ये तो बहुत ही बड़ी है लेकिन देखो ना, बड़ी बड़ी सब पानी पी रही हूँ। देखो नदी पानी पी रही, देखो आज पहली बार देखा चमगादड़ को पानी पीती हुई दोस्तों। हमने पेड़ों पर टंगा तो देखा बहुत, लेकिन पानी पीते आज देखा हमने। सब पानी पी रहे हैं यहाँ पर। हो रही है घर की वापसी दोस्तों, तो जा रही हूँ घर। टेस्टी निवी करते हैं ब्लॉग का यही एंड। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज। बाय।